अब पाकिस्तान चलते हैं, जहां पर इमरान खान का जीना हराम हो गया है। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि इमरान खान कोकीन का सेवन करते थे, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 9 मई को 60 अरब रुपए के अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में इमरान खान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया था। स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया है कि इमरान खान के पैर में फ्रैक्चर नहीं था, वो प्लास्टर चढ़ाकर लोगों को 6 महीने तक बेवकूफ बनाते रहे। साथ ही अब्दुल कादिर पटेल ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया है कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इमरान खान की यूरिन का नमूना लिया गया था और इमरान खान की यूरिन सैंपल में शराब और कोकीन मिला है। ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इमरान खान को कोकीन सूंघते पकड़ा था।